आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू, स्वस्ति श्री, ईस्वी सन 1987 सोवियत संघ में रूस की धरती पर चौथा महिला विश्व सम्मेलन संपन्न हुआ। उस अवसर पर रूसी नेता मिखाइल गॉर्बाचोव ने एक महत्वपूर्ण बात कही, संसार में तीन रत्न हैं, रोटी, पुस्तक और महिला। रोटी शरीर का पोषण करती हैं, पुस्तक के मस्तिष्क को खुराक देती हैं और महिलाएं परिवार, समाज तथा संसार का केंद्रीय तत्व हैं। वे शरीर, मस्तिष्क और चैतन्य, इन तीनों को संपोषित करती हैं। स्वस्थ परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व के नवनिर्माण में महिलाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्रियों में मेरी सात विभूतियाँ सन्निहित हैं, कीर्ति ही श्रीवाक च नारीणा, स्मृति मेघा, धृति ही क्षमा। कीर्ति का प्रसार रूप और सत्ता से नहीं, चरित्र निष्ठा से होता है। यह आध्यात्मिक अभिरुचि का प्रतीक है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी और सुंदरता। नारी का सौंदर्य बोध विशिष्ट होता है। वह तन से भी सुंदर होती है और मन से भी सुंदर। नारी की वाक शक्ति विलक्षण होती है। वह वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्रतीक है। स्मृति नारी कंप्यूटर माइंड होती है। कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किस लिए, इन छह जिज्ञासाओं का समाधान नारी प्रतिभा से सहज उपलब्ध हो जाता है। धृति नारी की धारणा शक्ति प्रबल होती है। सत्य, धर्म, न्याय, नीति से संबंधित उसकी सात्विक अवधारणाएं समाज का विशिष्ट पथ दर्शन करती हैं। धृति का दूसरा अर्थ है मनोनियामी का शक्ति। स्वनियंत्रण की क्षमता भी नारी में अद्भुत होती है। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व उक्त आध्यात्मिक विभूतियों का पुंज है। अपने पुरुषार्थ, प्रतिभा एवं प्रशासन कौशल के आधार पर विशेषणों के सफरनामे में साध्वी प्रमुखा, महाश्रमणी और संघ महानिदेशिका जैसे गरिमामय पदों को गौरवान्वित करती हुई आज वे अध्यात्म जगत की विशिष्ट शक्ति के रूप में वंदित, अभिनंदित हो रही हैं। उनके संन्यास जीवन की अर्ध सदी का सफरनामा साक्षी है कि मंजिल की ओर गतिशील उनके सधे हुए कदम न कहीं पर रुके न पीछे मुड़े। ऊर्ध्वारोहण की यात्रा में एक एक पायदान को लांघते हुए उन्होंने प्रगति की महती मंजिलें तय की हैं। उन्होंने न केवल सफलता के शिखर का स्पर्श किया अपितु उपलब्धियों के अगणित स्वर्णिम शिखर स्थापित किए। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का जन्म लाडनू के बंबूवाला बैद परिवार में हुआ। विक्रम संवत 1998 श्रावण कृष्णा त्रयोदशी के दिन कोलकाता में जन्मी नवजात कन्या का नाम कलावती रखा गया। सबका मन मोहने वाली कमनीय कला। उनके पिताजी का नाम श्री सूरजमल जी बैद तथा मातृश्री का नाम छोटी देवी था। कलावती बचपन से ही शांत, सहज और अंतर्मुखी वृत्ति वाली थी। पारिवारिक, धार्मिक संस्कार एवं लाडनू सेवा केंद्र में स्थिरवासी अथवा सेवाभावी साधुओं के सतत संपर्क से उनकी चित्त भूमि में वैराग्य के बीच बचपन से ही अंकुरित होने लगे। मनोमना संन्यास पथ पर अग्रसर होने का निर्णय लिया। प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा और तत्वज्ञान का अभ्यास किया। भावी संयम साधनामय जीवन की पृष्ठभूमि निर्मित की। विक्रम संवत 2013 सरदार शहर 15 वर्ष की उम्र शिक्षा साधना हेतु पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश पाया। 4 वर्ष तक शिक्षा साधना का गहन अभ्यास कर संयम जीवन की अहत्ता और पात्रता सिद्ध की। संस्था में एक मेघावी और होनहार छात्रा के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। विक्रम संवत 2017 आषाढ़ी पूर्णिमा 13वीं द्विशताब्दी समारोह का ऐतिहासिक अवसर, 13वीं की उद्गम स्थली केलवा, इन सबका दुर्लभ योग। 19 वर्षीय
मुमुक्षु कला का संघ के नवम अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी के कर कमलों से जैन भगवती दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। उन्हें गुरु प्रदत्त संबोधन मिला साध्वी कनक प्रभा। गुरु कृपा से साध्वी कनक प्रभा को प्राय गुरुकुलवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री तुलसी की पवित्र सनिधि एवं साध्वी प्रमुखा श्री लाडा जी महासती जी के वात्सल्यपूर्ण मार्गदर्शन में उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। श्रद्धा, समर्पण, संतुलित जीवन शैली, एकाग्रता, श्रमशीलता, इन पंचापचार से वे अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व में उत्तरोत्तर निखार लाने लगी। हजारों पद कंठस्थ कर ज्ञान का भंडार भरा। उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिदिन हजारों गाथाओं के स्वाध्याय पारायण का संकल्पबद्ध क्रम बनाया। सतत ज्ञान उपयोग से चित्त की निर्मलता और बुद्धि की प्रखरता सदी ज्ञानावरणीय कर्म का सयोपशम प्रकृष्ट हुआ। शैक्षिक विकास के लिए निर्धारित संज्ञा पाठ्यक्रम की योग्यतम परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर कामयाबी का कीर्तिमान कायम किया। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं पर विशेष अधिकार प्राप्त किया। आगम, सिद्धांत, न्याय दर्शन, काव्य साहित्य आदि अनेक विद्या शाखाओं का गंभीर अध्ययन कर संघ की विदुषी साध्वियों की अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बना लिया। बौद्धिक स्फूर्णा के साथ आचार कुशलता, अनुशासन प्रियता, विनम्रता, सेवा भावना, कार्य दक्षता आदि के कारण उनके व्यक्तित्व में अतिरिक्त गरिमा परिलक्षित होने लगी। आचार्य श्री तुलसी की पारखी दृष्टि में उनका उज्ज्वल भविष्य प्रतिबिंबित होने लगा। उन्होंने उनके सर्वोत्तमुखी निर्माण में अपना ध्यान केंद्रित किया। तत्कालीन 500 से अधिक साध्वियों में आचार्य श्री ने साध्वी कनक प्रभा जी को सब दृष्टियों से सर्वाधिक योग्य और सक्षम पाया। पूर्व साध्वी प्रमुखा श्री लाडा जी के स्वर्गवास के पश्चात साध्वी प्रमुखा पद रिक्त था। अतः विक्रम संवत 2028 के गंगा शहर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर माघ कृष्णा त्रयोदशी के दिन युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी ने चतुर्विधि धर्म संघ के मध्य 30 वर्षीय युवा साध्वी कनक प्रभा जी को साध्वी प्रमुखा पद पर नियुक्त किया। इस अवसर पर आचार्यवर ने अपनी दृष्टि स्पष्ट करते हुए कहा, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा को मैंने जब से देखा सहज भाव से विनम्र पाया। इसका समर्पण अनौपचारिक है, सत्यनिष्ठा और पाप भीरुता इसे प्रकृति से प्राप्त है, अभिमान तो इसे छू भी नहीं सकता। मैंने अपनी पारदर्शी दृष्टि से इन सब का आकलन किया। मुझे स्पष्ट दिखाई दिया कि यह साध्वी समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इसी चिंतन के आधार पर इसे साध्वी प्रमुखा का गरिमापूर्ण दायित्व मैंने सौंपा है। वस्तुतः इस नियुक्ति से जहां साध्वी प्रमुखा पद गौरवान्वित हुआ, वहां श्रद्धे आचार्य श्री तुलसी का चीर संजोया सपना फला और तेरापंथ के विशाल साध्वी समुदाय की गरिमा की सतगुणित करने वाला सक्षम युवा नेतृत्व मिला। आचार्य प्रवर की लंबी खोज संघ की विशिष्ट उपलब्धि बन गई। स्वयं आचार्य श्री ने कहा, मेरे सामने उत्तराधिकारी की खोज से अहम सवाल था योग्य साध्वी प्रमुखा की खोज और निर्माण। आचार्य पद का दायित्व संभालते ही मैंने इस दिशा में चिंतन करना शुरू कर दिया था। मैं प्रारंभ से लेकर साध्वी प्रमुखा लाडा जी के कार्यकाल तक भावी व्यवस्था के लिए सुयोग्य साध्वी की खोज में संलग्न रहा। यद्यपि महासती सरदारा जी से लेकर लाडा जी तक सभी पूर्ववर्ती साध्वी प्रमुखाओं ने अपने अपने युग में बहुत अच्छे ढंग से अपना दायित्व निभाया, पर मेरी चिंता का विषय था बदलता हुआ जमाना। यह सर्व विदित है कि तेरा पंथ का संपूर्ण नेतृत्व आचार्य केंद्रित है। आचार्य अपना काम करते हैं पर साध्वियों के साथ उनका संबंध सीमित रहता है। ऐसी स्थिति में सब साध्वियों की मानसिकता को समझने, उन्हें वात्सल्य देने, उनके निर्वाह और चित्त समाधि के लिए जागरूक रहने, उन्हें विकास के समुचित अवसर देने इत्यादि अपेक्षाओं की संपूर्ति हेतु आचार्य को उपयुक्त माध्यम की जरूरत होती है। वह माध्यम जितना सशक्त होता है आचार्य को उतनी ही अधिक सुविधा रहती है। वर्तमान युगीन परिस्थितियों में ऐसी साध्वी प्रमुखा चाहिए जो माध्यम में नहीं संघ बहुमुखी गति प्रगति में भी पूरा योगदान देती रहे। अतः मुझे योगानुरूप
जिस प्रबुद्ध साध्वी प्रमुखा की खोज थी वह मुझे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा के रूप में उपलब्ध हुई हैं। यह संघ का सौभाग्य है। युग दृष्टा आचार्य श्री तुलसी ने जिस साहस और आत्मविश्वास के साथ एक युवा साध्वी को इस गुरुतर दायित्व के लिए मनोनीत किया, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने दिनों दिन उस विश्वास को पुष्ट और प्रमाणित किया। गुरुदेव की दृष्टि के अनुसार साध्वी समाज का नेतृत्व करते हुए उसे जो ऊंचाई, गहराई और विस्तार दिया है वह आश्चर्य का विषय है। इससे समग्र साध्वी समाज में अपूर्व प्रसन्नता और आनंदमय वातावरण निर्मित हुआ। स्वयं आचार्यवर को अनिर्वचनीय आत्मसंतोष मिला। उन्होंने लिखा है, एक बार समाज के फोटोग्राफर संपत गांधी ने एक एल्बम दिया, मैं उसे देख रहा था। उसमें सब साधु साध्वियों के चित्र क्रमशः रखने का प्रयत्न किया गया था। जब साध्वी कनक प्रभा का चित्र मेरी आंखों के सामने आया तब पिछले 36 वर्षों का इतिहास चित्रपट की भांति स्मृति में उभर आया। मैंने सोचा कितनी साध्वियों को लांघ कर यह नाम इस पद के लिए आगे आया है। श्री कालूगणी के स्वर्गवास के समय से ही मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि इतने बड़े साध्वी समाज के नेतृत्व हेतु एक ऐसी साध्वी चाहिए जो वास्तव में युग की मांग पूरा कर सके। लगता है साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी केवल पद की दृष्टि से ही सैकड़ों साध्वियों को लांघ कर आगे नहीं आई, अपितु वे चतुर्मुखी विकास तथा सफलता के हर पायदान पर सबसे अग्रिम पंक्ति पर ही खड़ी दिखाई दी। साध्वी संघ की सुव्यवस्था और प्रबंधन कौशल से उन्होंने कल्पनातीत यशस्विता अर्जित की। साध्वियों के निर्माण और शैक्षिक विकास से प्रबुद्ध साध्वियों की लंबी कतार खड़ी कर दी। अपनी प्रतिभा और सृजन कौशल से उन्होंने साहित्य और संपादन की दृष्टि में नए शिखर स्थापित किए। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी तेरा पंथ धर्म संघ की 8वीं साध्वी प्रमुखा हैं। दीक्षा गुरु और जीवन निर्माता गुरुदेव श्री तुलसी की वे अनन्य कृपा पात्र रही हैं। गुरुदेव ने उनको तेरा पंथ की तरुणिमा कहा। उनको महाश्रमणी संबोधन व पद तथा संघ महानिदेशी का पद प्रदान कर उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया। आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैसे दो दो युग प्रधान और नवयुग के निर्माता आचार्यों के शासनकाल में उन्होंने साध्वी समाज के नेतृत्व का दायित्व संभाला। संघ विकास में योगभूत बनी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने उनको सदा सब दृष्टियों से नंबर वन माना और कहा कि पूरे साध्वी समाज में इनकी क्षमताओं का संक्रमण हो। वर्तमान में वे आचार्य श्री महाश्रमण के नेतृत्व में संघ को अपनी विनम्र सेवाएं समर्पित कर रही हैं। अपनी सेवा भक्ति सूझबूझ और सामर्थ्य का संघ हित में भरपूर उपयोग कर संघ महानिदेशिका पद को और अधिक गौरवान्वित कर रही हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण भी उनको विशेष सम्मान अधिमान देकर संघ के इतिहास में नए स्वास्तिक रच रहे हैं। 21वीं सदी में संघ की 18वीं सदी की एकता और अखंडता की परंपरा को मूर्त रूप देकर प्रगति और परंपरा के मध्य मजबूत सेतु का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार साध्वी प्रमुखा श्री जी अपने सृजन कौशल से सफलता के नए द्वार उद्घाटित कर रही हैं। धरती पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो असाधारण और विलक्षण होते हैं। ऐसा लगता है वे बिना किसी खास प्रयत्न के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। हर कोई उनसे प्रभावित होता है। उनके साथ रहना, जीना और काम करना अच्छा लगता है। गौरव की अनुभूति होती है। ऐसे व्यक्तित्व अपने जीवन में प्राय स्वस्थ, संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। उनमें चुनौतियों को झेलने का मादा होता है। वे कठिन परिस्थितियों में भी अविचल और संतुलित रहते हैं। उनके पास किसी भी व्यक्ति या कार्य के लिए समय होता है। बिजी रहते हुए भी उनकी लाइफ इजी होती है। वे स्वयं में ही खोए हुए नहीं रहते बल्कि दूसरों में भी अभिरुचि लेते हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे अन्यों के लिए आदर्श या प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। प्रश्न होता है, कुछ एक व्यक्ति इतने सफल कैसे होते हैं? स्वल्प समय में कैसे इतने लोग आगे निकल जाते हैं? इसका समाधान सहज है। विशिष्ट व सफल व्यक्ति आम लोगों से अलग नहीं होते, लेकिन उनका जीने का तथा काम करने का तरीका अलग होता है।
वे आकाश से नहीं उतरते, धरती पर ही पैदा होते हैं। वे केवल इसी ईश्वरीय आशीर्वाद से नहीं अपितु अपने श्रम, संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा से निर्मित होते हैं। इसके लिए चाहिए तीव्र इच्छा शक्ति, लक्ष्य प्रतिबद्धता, लगन, वज्र संकल्प और कठोर श्रम। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी जैन शासन एवं तेरापंथ की एक ऐसी असाधारण उपलब्धि है जहाँ तक पहुँचना हर किसी के लिए शक्य नहीं है। वे सौम्यता, सुचिता, सहिष्णुता, सृजनशीलता, श्रद्धा, समर्पण, स्फूर्णा और सकारात्मक सोच की एक मिसाल है। अथा ऊर्जापुंज गुरुदेव श्री तुलसी उनमें महासती सरदारा जी और महासती गुलाबा जी की छवि देखते थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की आत्मप्रज्ञा में उनका एक असामान्य रूप प्रतिबिंबित होता है। कोई उनमें बौद्ध भिक्षुणी का रूप देखता है तो कोई मदर टेरेसा का, कोई उन्हें सरस्वती का अवतार मानता है तो कोई उनमें अरविंद आश्रम की श्री माँ और बेलूड़ मठ की माँ शारदा का साम्य देखता है। भैरव सिंह शेखावत जैसे लोक नेता उनके वक्तव्य के कायल थे तो जैनेन्द्र कुमार जैसे मधुन्य साहित्यकार उनकी लेखन शैली से अभिभूत थे। उनकी विकास यात्रा की त्रिपदी है संकल्प, प्रतिभा और पुरुषार्थ। उनकी संकल्पित चेतना की निष्पत्ति है अगाध ज्ञान, विपुल साहित्य सर्जन और सर्वतोभद्र नेतृत्व। संकल्प में वह शक्ति होती है जिससे आसमान में सोपान लगाए जा सकते हैं और पाताल तक सुरंग बिछाई जा सकती हैं। उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य के सतरंगे चित्र को अधिक चमकाने वाला दूसरा गुण है उनकी स्फूर्णाशील प्रतिभा, नित्य नवोन्मेष शालिनी मतीय प्रतिभा। जिस बुद्धि में नित्य नए उन्मेष स्फुरित होते हैं उसी का नाम है प्रतिभा। उन्होंने अपनी स्फुरित प्रतिभा के द्वारा ही विकास के यात्रा पथ पर अगणित दीप स्तंभ स्थापित किए हैं। प्रतिभा को परिपुष्ट करती है ग्रहणशीलता, ग्रहणशीलता ही धरती को उपजाऊ बनाती है। एक बार का प्रसंग है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ अहिंसा यात्रा के दौरान ससंग अररिया खुर्द गांव के स्कूल में विराज रहे थे। वहां एक और के कक्षों में आचार्य प्रवर तथा संतों का प्रवास था और दूसरी तरफ के कक्षों में साध्वी वृंद, श्रमणी वृंद सहित साध्वी प्रमुखा श्री जी प्रवासित थी। दोपहर में पूज्य प्रवर के सानिध्य में श्रमणी जी की संगोष्ठी थी। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने संगोष्ठी को संबोधित किया, उसमें उन्होंने एक विशेष बात कही। अभी हम जिस स्कूल रूम में रुके हुए हैं वहां दीवार पर एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा हुआ है, 2% बुद्धि और 98% परिश्रम का नाम है प्रतिभा। श्रमणी गण भी अपनी प्रतिभा के विकास हेतु कठोर परिश्रम का लक्ष्य बनाए। परम श्रद्धेय आचार्यवर को प्रतिभा की यह परिभाषा बहुत पसंद आई। उन्होंने फरमाया, साध्वी प्रमुखा श्रमशीलता के पर्याय हैं। दूसरी बात, इनकी ग्रहणशीलता बहुत अच्छी है। जहाँ कहीं कुछ नया देखा तत्काल ग्रहण कर लिया, इसलिए ये जब भी बोलती हैं सब सजग हो जाते हैं इस आशा से कि कुछ नया मिलेगा। ये नई बात कहती हैं, नए अंदाज से लिखती हैं, घिसी पिटी बात न कहती हैं न लिखती हैं। यह अच्छा क्रम है, इससे प्रतिभा में सहज स्फूर्णा और नए उन्मेष आते हैं। उनकी सफलता का तीसरा बिंदु है कठोर परिश्रम। उनका पुरुषार्थी जीवन अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ अहिंसा यात्रा के साथ गुजरात के आजोल गांव में पहुंचे, वहां हाई स्कूल में रुके। साध्वी प्रमुखा श्री जी साध्वियों के साथ आचार्य वंदना हेतु वहां पहुंची। स्कूल की दीवार पर एक आदर्श वाक्य अंकित था, उन्होंने उसे पढ़ा और पूज्यवर को सुनाया, जे परसे वो बहावे ते सफल थाए। यह सुनकर आचार्य प्रवर ने फरमाया, तुम्हारा जीवन ऐसा ही है, कितना पसीना बहा रही हो इसलिए तुम्हें आगे से आगे सफलता मिल रही है। गुरु वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं, हे महाबुद्धिमान राम, 3 लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उद्वेग रहित पौरुष द्वारा प्राप्त न की जा सके। हे रघुनंदन, इस संसार में सम्यक प्रयुक्त पुरुषार्थ द्वारा सब लोग सदैव सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी ने भी अनुद्विग्न रहते हुए अपने सम्यक नियोजित सतत पुरुषार्थ द्वारा
सफलता की महती मंजिलें तय की हैं। यह निश्चित है कि अपनी शक्ति का प्रस्फोट करने वाला चेतना के पंखों से अनंत आकाश की यात्रा कर लेता है, सफलता के नए क्षितिजों का स्पर्श कर लेता है। उनके जीवन को, व्यक्तित्व, कर्तव्य और नेतृत्व को किसी भी कोण से किसी भी क्षण देखे वह एक प्रकाश ग्रह, लाइट हाउस जैसा प्रतीत होता है। उससे निकलने वाली प्रखर रोशनी सघन तिमिर को चीर कर दूर दूर तक पहुंच रही है और अनेकों को नई दृष्टि, नई दिशा प्रदान करती हुई ज्योतिर्मय भविष्य का निर्माण कर रही है। उनका जीवन दर्शन समग्रता का दर्शन है। समग्र दृष्टि के बिना उसको पढ़ना, समझना और उस पर कुछ लिखना बहुत कठिन है। मैंने भगवान महावीर की नई दृष्टि का अनुसरण करते हुए प्रस्तुत ग्रंथ चैतन्य रश्मि कनक प्रभा के माध्यम से एक विराट व्यक्तित्व में पूंजीभूत श्रेष्ठताओं की एक एक रश्मि को विश्लेषित करने का प्रयत्न किया है। शस्त्रांशु अपनी एक एक किरण से अस्तित्ववान है, समग्रता से उद्भासित है। उसके आलोक में पाठक साध्वी प्रमुखाश्री जी के व्यक्तित्व, कर्तव्य और उपलब्धियों के महाग्रंथ को आसानी से पढ़ सकते हैं। ओम अरहम।